अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है हाउस वायरिंग ऑफ मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूए इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर 400 प्लस वीडियोस मौजूद है। अगर आप गल्फ में इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। दोस्तों, यहां हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ये एक एमसीबी है, टू पोल। ये इंडिकेटर है, ये स्विच है, सॉकेट है ये, और ये रेगुलेटर। फर्स्ट हमने पहले फेज वायर को एमसीबी में कनेक्ट किया है और यहां आउट से फेज वायर को इंडिकेटर में कनेक्ट किया है और फिर यहां से फेज लेकर इन फोर स्विचेस में कनेक्ट कर दिया है और फिर इस फेज वायर को लेकर यहां फैन के स्विच में कनेक्ट किया है। और सॉकेट के लिए हमने यहां से फेज लेकर सॉकेट के इस पॉइंट में कनेक्ट किया है। ये हमारा अर्थिंग पॉइंट है। इसको हमने अर्थ केबल के साथ कनेक्ट कर दिया है और अब हम आते हैं रेगुलेटर के ऊपर। इस स्विच के एक पॉइंट में यहां फेज आ चुका है और यहां से फेज वायर को लेकर रेगुलेटर के एक पॉइंट में कनेक्ट करेंगे और इसके बाद रेगुलेटर से फैन में सप्लाई देंगे। और दोस्तों, यहां हमने L1, L2 और L3 इंडिकेट किया है। ये रूम में जो लाइट है, 3 जो फेज वायर हैं, इन लाइट के लिए हैं, 1, 2 और 3। और अब हम न्यूट्रल वायर को एमसीबी के एक पोल में कनेक्ट करेंगे और उसके आउट से इंडिकेटर के एक पॉइंट में न्यूट्रल को कनेक्ट किया है और फिर यहां से न्यूट्रल वायर को सॉकेट के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद इन लाइट्स और फैन को न्यूट्रल वायर हम किसी एक पॉइंट से दे सकते हैं, यहां से या फिर इस पॉइंट से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। करने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल UAE इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।